दोस्तों आज की इस वीडियो में फेसबुक स्टेटस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि मैं देखा हूँ फेसबुक में क्या होता है दोस्तों, किसी का मतलब रिलेशन होता है, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। अगर लड़की ने छोड़ दिया लड़का को, तो लड़का क्या करते हैं, फेसबुक में स्टेटस लगा देगा, वो जैसे रो रहा है या फिर मतलब दोस्तों बीमार हो गया, काफ़ी परेशान हो गया, इमोजी वगैरह लगा देगा, या फिर वो दारू पीने लगा, या फिर दोस्तों दूसरा कुछ करने लगा, स्टेटस वो लगा देगा फेसबुक पे, ठीक है। और वो सब जो लड़की देखते हैं, लड़की देखने के बाद वो काफ़ी मज़े लेते हैं और काफ़ी ऐसे में वो खुश हो जाता है, और लड़का तो समझ नहीं पाता है ना, और लड़का यही सब लगा देता है, और लड़की ज़्यादा ये सब देख के खुश हो जाता है, बाद में उसको इग्नोर करने लगता है, जिस वजह से लड़की कभी लड़के से बात ही नहीं करता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है लड़का बैकअप कर देता है, लड़की क्या करते हैं फेसबुक स्टेटस में लगाता है, मुझे छोड़ दिया, मैं मिस कर रहा हूँ बहुत ही, मतलब चला गया, मैं रो रहा हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम में हो, ऐसा मतलब जैसे कि उसका दुनिया ही उजड़ गया होगा, ऐसा कुछ स्टेटस लगा देते हैं, जिस वजह से लड़का और ज़्यादा मतलब घमंड दिखाने लगता है, एटीट्यूड दिखाने लगता है, बाद में लड़की से बात ही नहीं करते, ऐसा कुछ हो रहा है। तो दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अपना जो रिलेशन का जो समझता है, ये फेसबुक में ना डाले, इंस्टाग्राम पे ना डाले, कोई वीडियो ना बनाए इस टॉपिक के ऊपर, कोई भी रिलेशन हो, चाहे घर का रिलेशन, फैमिली का रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर हस्बैंड वाइफ, किसी का भी रिलेशन हो, अच्छा चीज़ें शेयर करें। बट दोस्तों धोखा हो जाए, किसी को छोड़ के चला गया, कोई भाग गया, मतलब कहीं क्या हो रहा है यार, ये सब स्टेटस लगाते हैं ना लोग, तो क्या होते हैं दोस्तों, लोग देखे ये मत समझिएगा, मतलब अच्छे बोल रहे, मतलब लोग अच्छा नहीं बोलते, लोग बुरा ही बोलता है दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप जब सेड स्टेटस या फिर इस तरह का स्टेटस लगाते हो, आप समझते होंगे मतलब आप काफ़ी प्रॉब्लम में हो, आपको कोई सहायता करेगा, आपके पास में कोई आएगा और आपको मदद करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अगर आप सेड स्टेटस लगाएंगे और दोस्तों अगर इस तरह का आप मतलब दुखी जो होते हैं लोग, उनका स्टेटस लगाएंगे रिलेशन का, तो ये सब देख के लोग मजाक उड़ाता है, हंसता है, आपको ये सब बातें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का जो स्टेटस होता है, देखने के बाद लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, और वो लोग इंजॉय करते हैं, काफ़ी मतलब इंजॉय होते हैं, ठीक है। जिस वजह से मैं चाहता हूँ रिलेशन का जो भी चीज़ें होते हैं, वो स्टेटस ना लगाई दोस्तों, ठीक है। रिलेशन चीज़ों का अगर मतलब स्टेटस लगा देंगे, तो क्या होता है, जो अपना पर्सनल लाइफ होते हैं वो सोशल मीडिया में शेयर हो जाते हैं, जिस वजह से लोग मजाक उड़ाता है बाद में। तो आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आजकल की ज़माना में लड़की लड़का मतलब कोई भी थोड़ा भी दिक्कत हो जाता है अपनी रिलेशन में, तो क्या करते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, जैसे कि वो रो रहा है, पागल हो जा रहा है किसी के लिए, जैसे कि उसके बिना वो रह ही नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि उसका दुनिया ही ख़त्म हो गया, दुनिया ही उजड़ गया, ऐसा कुछ स्टेटस लगा देते हैं, जिस वजह से लड़की अगर धोखा देता है लड़का का, लड़का ऐसा करता है तो लड़की मजा लेता है, और लड़की धोखा देता है लड़का का, तो लड़का लगा देता है इस तरह का, तो लड़की मजा लेता है। तो दोस्तों इसी तरह का हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको दोस्तों रिलेशन को पर्सनल के हिसाब से ही रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इस तरह का स्टेटस ना लगाए, ताकि किसी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए और किसी का प्रॉब्लम कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है स्टेटस इस तरह से लगाने से, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम कम नहीं होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम बढ़ता है, मतलब ज़्यादा होता है। इस तरह का स्टेटस आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। वैसे मेरा टेक्नोलॉजी चैनल है, फिर भी इस तरह का कॉन्टेंट बनाया हूँ, क्योंकि फेसबुक इंस्टा पे ज़्यादा यही सब चल रहा है, सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए, इसलिए बना लिया। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आने से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों ऐसा शेयर करें, अभी दोस्तों गुड बाय।